मैकेनिकल गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आप देख सके लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और तिलक लगा के स्वागत करता हूँ आपका मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम विस्कोसिटी के बारे में बात करेंगे। विस्कोसिटी क्या होती है मैं आपको बताऊंगा। विस्कोसिटी में कैसे चेंज आता है जब टेम्परेचर में हम चेंज लाते हैं, यानी कि विस्कोसिटी में क्या इफेक्ट पड़ता है जब टेम्परेचर हम चेंज करते हैं, उस बारे में भी हम बात करेंगे। विस्कोसिटी के बारे में पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा, तो लास्ट तक आप बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले विस्कोसिटी के बारे में बात करें तो विस्कोसिटी फ्लूइड में जो फ्लो होता है उसमें जो रेजिस्टेंस रहता है उसे हम विस्कोसिटी कहते हैं। फ्लूइड के फ्लो के दौरान उसके मोशन को जो फोर्स रेजिस्ट करता है उसे हम विस्कोसिटी कहते हैं। विस्कोसिटी और फ्रिक्शन में बहुत सी सिमिलैरिटीज हैं और बहुत सी डिससिमिलैरिटीज हैं। अगर हम ऊपर ऊपर से देखें तो विस्कोसिटी और फ्रिक्शन दोनों ही मोशन को रेजिस्ट करते हैं, लेकिन विस्कोसिटी फ्लूइड के लिए हम कंसीडर करते हैं जबकि फ्रिक्शन हमेशा सॉलिड्स में देखा जाता है। विस्कोसिटी के बारे में बात करें तो लिक्विड में विस्कोसिटी का कारण अलग होता है और गैसेस में विस्कोसिटी का कारण अलग होता है। कोई भी अगर लिक्विड फ्लो होता है तो जैसा हम जानते हैं वो लेयर वाइज लेयर फ्लो होता है, तो फ्लूइड की एक लेयर को दूसरी लेयर अपोज करती है। फ्लूइड की एक लेयर को दूसरी लेयर इसलिए अपोज करती है क्योंकि फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स रहता है जिसे हम कोहिजन कहते हैं। अगर आप कोहिजन और एडिशन के बारे में नहीं जानते हैं तो पहले मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं। जब फ्लूइड फ्लो होता है तो फ्लूइड की एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर फ्लो होती है, तो फ्लूइड की जब एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर फ्लो होती है तो फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं दो लेयर्स के, इनके बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स रहता है जिसे हम कोहिजिव फोर्स कहते हैं, और इस कोहिजिव फोर्स के प्रेजेंट होने के कारण एक लेयर दूसरी लेयर के मोशन को रेजिस्ट करने का काम करती है। इसी रेजिस्टेंस फोर्स को हम विस्कोसिटी कहते हैं, और लिक्विड में यह पूरी तरह से कोहिजन के कारण यानी कि इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स के कारण विस्कोसिटी लिक्विड्स में देखी जाती है। हम गैसेस के बारे में बात करें तो गैसेस में कोहिजिव फोर्सेस एकदम नेग्लिजिबल रहती है। गैसेस में विस्कोसिटी का कारण होता है जो मॉलिक्यूल्स में कोलोजन होता है और इंटर मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर, यह दो कारण होता है गैसेस में विस्कोसिटी होने का, यानी कि गैसेस के मोशन में जो रेजिस्टेंस होता है वह इंटर मॉलिक्यूलर कोलिजन और इंटर मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर के कारण गैसेस में हमें देखने को मिलता है। लिक्विड में कोहिजिव फोर्सेस के कारण यानी इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स के कारण विस्कोसिटी प्रेजेंट रहती है, जबकि गैसेस में कोलिजन के कारण और इंटर मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर के कारण यानी कि एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल में टकराने के कारण और मॉलिक्यूल का मोमेंटम दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर होने के कारण गैसेस की वेलोसिटी कम होती है। गैसेस में मोशन जो होता है उसमें रेजिस्टेंस होता है और इसे ही हम गैसेस में विस्कोसिटी कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि टेम्परेचर के कारण आखिर विस्कोसिटी में क्या फर्क पड़ता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, लिक्विड में विस्कोसिटी कोहेसिव फोर्सेस के कारण रहती है, और जैसे जैसे आप लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे आप वाटर का टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, उसमें कोहेसिव फोर्सेस जो रहेंगे वह कम होते जाएंगे। कोहिजिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड कम होते जाता है जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, यानी कि लिक्विड का जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे लिक्विड में विस्कोसिटी कम होते जाएगी क्योंकि कोहिजिव फोर्सेस कम होते जाएंगे और लिक्विड में विस्कोसिटी कोहिजिव फोर्सेस के कारण ही होती है। जबकि हम गैसेस के बारे में बात करें तो गैसेस में विस्कोसिटी कोलोजन और इंटर मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर के कारण होती है, और जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे कोलोजन की रेट बढ़ेगी, और जैसे जैसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराएंगे वैसे वैसे ज्यादा इंटर मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर होगा और यह गैस की मोशन को रेजिस्ट करने का काम करेगा। तो गैसेस में टेम्परेचर बढ़ाने से गैसेस की विस्कोसिटी बढ़ते जाती है, गैसेस के फ्लो में और रेजिस्टेंस आते जाता है, जबकि लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाने से लिक्विड की विस्कोसिटी कम होते जाती है क्योंकि लिक्विड में इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स के कारण यानी कोहिजिव फोर्स के कारण विस्कोसिटी होती है और टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ कोहिजिव फोर्सेस कम होते जाते हैं, जबकि गैसेस में टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ कोलोजन बढ़ते जाएगा जिसके कारण इंटर मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर बढ़ते जाएगा और विस्कोसिटी भी बढ़ते जाएगी। विस्कोसिटी को म्यू से डिनोट किया जाता है और विस्कोसिटी को एब्सोल्यूट विस्कोसिटी या डायनामिक विस्कोसिटी कहा जाता है, जबकि काइनामेटिक विस्कोसिटी रेशियो होता है डायनामिक विस्कोसिटी का और डेंसिटी का, यानी कि डायनामिक विस्कोसिटी और डेंसिटी का जब आप रेशियो निकालेंगे तो आपको काइनामेटिक विस्कोसिटी मिलेगा। विस्कोसिटी म्यू जिसे हम डायनामिक विस्कोसिटी या एब्सोल्यूट विस्कोसिटी भी बोलते हैं, इसकी अगर हम यूनिट की बात करें
डायनामिक विस्कोसिटी की यूनिट न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड और पास्कल सेकंड भी हम लिख सकते हैं। और अगर हम काइनामेटिक विस्कोसिटी की यूनिट के बारे में बात करें तो काइनामेटिक विस्कोसिटी की यूनिट मीटर स्क्वायर पर सेकंड होती है, लेकिन ज्यादातर जगह में आप देखेंगे कि डायनामिक विस्कोसिटी का यूनिट पॉइस रहता है और काइनामेटिक विस्कोसिटी का यूनिट स्ट्रोक रहता है। विस्कोसिटी के इफेक्ट के बारे में बात करें तो विस्कोसिटी के कारण शियर स्ट्रेस जनरेट होता है फ्लूइड्स में, और विस्कोसिटी पूरी तरह से बाउंड्री फिनोमिना है, यानी जैसा हम जानते हैं फ्लूइड जब किसी सरफेस के ऊपर से फ्लो होता है तो फ्लूइड जो एकदम सरफेस के पास रहता है या लिक्विड जो एकदम सरफेस के पास रहता है उसकी वेलोसिटी सरफेस के वेलोसिटी के बराबर रहती है और धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती है जैसे जैसे आप सरफेस से दूर जाते जाते हैं, और एंड में उसकी वेलोसिटी फ्लूइड की वेलोसिटी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के बराबर हो जाती है। तो विस्कोसिटी पूरी तरह से बाउंड्री फिनोमिना है। देख पाएंगे कि फ्लूइड की वेलोसिटी मैक्सिमम से जैसे जैसे आप बाउंड्री की तरफ जाते जाएंगे जीरो की तरफ जाते जाएगी। तो दोस्तों आज हम लोगों ने विस्कोसिटी के बारे में बात की, विस्कोसिटी क्या होता है मैंने आपको बताया, लिक्विड्स में विस्कोसिटी का कारण क्या है, गैसेस में विस्कोसिटी का कारण क्या है, विस्कोसिटी किस तरह अफेक्ट होता है टेम्परेचर से, विस्कोसिटी के यूनिट के बारे में और भी बहुत सी बातें मैंने विस्कोसिटी के बारे में आपको बताई। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज लेके आता रहता हूँ। जल्दी मिलेंगे। जय जवान जय किसान।